हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पोंवार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने ग्राम विकास अधिकारी की मुख्य परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की है, तो वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, राजस्थान का राजकीय गीत कौन सा है? राजस्थान का राजकीय गीत कौन सा है? तो आपको याद रखना है, केसरिया बालम पधारो ने मारे देश, केसरिया बालम पधारो ने मारे देश, ये किसका राजकीय गीत है? तो आपको याद रखना है, राजस्थान का। तो दोस्तों, आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान का राजकीय चिन्ह कौन सा है? राजस्थान का राजकीय चिन्ह कौन सा है? तो आपको याद रखना है, अशोक का सिंह स्तंभ, अशोक का सिंह स्तंभ जो राजस्थान का राजकीय चिन्ह है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान का राजकीय लोक नृत्य क्या है? राजस्थान का राजकीय लोक नृत्य क्या है? तो आपको याद रखना है, घूमर। ठीक है, घूमर है जो राजस्थान का राजकीय लोक नृत्य है। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है कि राजस्थान में महिला रोजगार कार्यक्रम क्या कार्यालय की पृथक से स्थापना कहाँ की गई है? तो आपको याद रखना है, यह की गई है जयपुर में। ठीक है, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की अलग से स्थापना कहाँ से की गई है? तो आपको याद रखना है, जयपुर में की गई है। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ की गई है, अपना गांव अपना काम प्रारंभ की गई है योजना कहाँ कब की गई है? तो आपको याद रखना है, 1 दिसंबर 1990 को। कौन सी योजना? अपना गांव अपना काम, या अपना काम या अपना सॉरी अपना गांव अपना काम। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है, सेमफेक्स योजना लागू की गई, सेमफेक्स योजना लागू की गई, तो आपको याद रखना है, किसके द्वारा? रिको के द्वारा। ठीक है, रिको के द्वारा सेमफेक्स योजना लागू की गई थी। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, अपनी धरती अपने लोग योजना किस वर्ष आरंभ हुई? अपनी धरती अपने लोग योजना किस वर्ष आरंभ हुई? तो आपको याद रखना है, यह योजना आरंभ हुई थी 2006 को। ठीक है, कौन सी योजना? अपनी धरती अपने लोग। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, राजस्थान में अंत्योदय योजना वर्ष प्रारंभ हुई? राजस्थान में अंत्योदय योजना वर्ष प्रारंभ, यानी कब प्रारंभ हुई? तो आपको याद रखना है, 1977 ईस्वी में अंत्योदय योजना प्रारंभ हुई। कहाँ पर? राजस्थान में। और कब प्रारंभ हुई? तो आपको याद रखना है, 1977 को। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, संयुक्त राजस्थान की स्थापना कब हुई? संयुक्त राजस्थान की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है, यह स्थापना हुई थी 25 मार्च 1948 को। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान की स्थापना हुई। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, संयुक्त राजस्थान की राजधानी थी, संयुक्त राजस्थान की राजधानी थी, कौन सी राजधानी थी? तो आपको याद रखना है, कोटा। कोटा थी जो संयुक्त राजस्थान की राजधानी थी। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? तो आपको याद रखना है, कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, राजस्थान का नाम रायथान किस इतिहासकार ने दिया? राजस्थान का नाम रायथान किस इतिहासकार ने दिया था? तो आपको याद रखना है, कर्नल टॉड ने। ठीक है, कर्नल टॉड ने सबसे पहले इसका नाम रायथान दिया था। ठीक है, किस इतिहासकार ने? तो कर्नल टॉड ने। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था कब स्थापित की गई? तो आपको याद रखना है, 1955 ईस्वी में राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था स्थापित की गई। कब? 1955 ईस्वी में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनी? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनी तो कौन बनी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। श्रीमती प्रतिभा पाटिल है जो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे तो कौन थे? हीरालाल शास्त्री। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे तो आपको याद रखना है, गुरुमुख नियाल सिंह। गुरुमुख नियाल सिंह थे जो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा? राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा? तो आपको याद रखना है, किस वर्ष लगा था? 1967 ईस्वी में। अगला देखते हैं।
अगला सवाल है, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? तो आपको याद रखना है 33 जिले हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, राजस्थान राज्य के प्रथम खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राजस्थान राज्य के प्रथम खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आपको याद रखना है, यह सम्मानित किया गया था लिम्बा राम को। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष को हुई? राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष को हुई? तो आपको याद रखना है 16/8/1949 को, 16/8/1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, वृहद राजस्थान का निर्माण कब किया गया? वृहद राजस्थान का निर्माण कब किया गया? तो आपको याद रखना है 30/1949 को, 30/1949 को वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में राज्यपाल का पद कब सृजित हुआ? राजस्थान में राज्यपाल का पद कब सृजित हुआ? तो आपको याद रखना है 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज्यपाल का पद सृजित हुआ था। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 17 मार्च 1948 में। ठीक है, 17 मार्च 1948 में मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपको याद रखना है हीरालाल शास्त्री। ठीक है, हीरालाल शास्त्री था जो वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री था। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, प्रथम लोकतांत्रिक सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम लोकतांत्रिक सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको याद रखना है टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल थे जो प्रथम लोकतांत्रिक सरकार के मुख्यमंत्री थे। तो दोस्तों, आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।